राजनांदगांव के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भरदा खुर्द में पढ़ने वाली छात्रा के साथ एक शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर गांव भरदा खुर्द में पढ़ाने वाले शिक्षक जितेंद्र पटेल ने एक बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उक्त प्राथमिक शाला में एक प्राचार्य, एक महिला शिक्षक व एक शिक्षक के पद पर जितेंद्र पटेल पदस्थ है। ग्रामीणों की माने तो शिक्षक की गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रहती है। कुछ दिनों पूर्व भी एक अन्य बच्ची को शाला भवन के कमरे में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके पश्चात ग्रामीणों ने शिक्षक की जमकर धुनाई कर दी थी और गांव के लोगों ने उसे कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई और शिक्षक ने ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की कसम भी ग्रामीणों के बीच खाई थी, इसीलिए मामला थाने नहीं पहुंच पाया था। ग्रामीणों ने सुधर जाने का एक मौका शिक्षक को दिया था, पर वो शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, फिर शाला की दूसरी बच्ची के साथ असली हरकत करते हुए पकड़ा। ग्रामीणों ने घटना को भांपकर पुलिस और मीडिया कर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उक्त घटना पर मौके पर पहुंचकर बच्ची और आरोपी के परिजनों को थाने पर लेकर आई। नहीं था, हम लोग 3-4 महीना पहले उसको रोके थे रोड में। हम लोग तो थोड़ा सा सूचना मिला था कि ऐसा ऐसा करता है करके, तो 3 महीना पहले उसको रोक के हम लोग थोड़ा सा सावचेत किए थे, कान पकड़े थे, उठ बैठ किए थे। उसके बाद ये दूसरा नंबर का केस है। आज सुने हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग चाहते तो उसको मार भी सकते थे, लेकिन मार नहीं किए। हम लोग गांव के सियान लोग को बुलाए, उसके बाद वार्तालाप हुआ, जो भी हुआ, मैं एक थप्पड़ उसको मार भी दिया, ठीक है। उसके बाद समझाया, हाथ जोड़ के अपना स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गलत करता था, लेकिन अब आज के बाद ऐसा गलत नहीं होगा, मैं सुधर जाऊँगा करके। फिर भी हम लोग नहीं माने। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाए, पुलिस वालों को बुलाए, सूचना किए, हर चीज़ को बुलाए, पूरे गाँव को बुलाए। उसके साथ हम लोग खिलाफ़ करना चाहते हैं, उसके पूरा कानूनी प्रक्रिया जो है उसको आगे ले जाना चाहते हैं हम लोग। कितने साल से गुरुजी थे इस स्कूल में? यहाँ से कितने साल से है सर? 8-9 साल। 2011 से यहाँ पर स्कूल में है। तुम्हारा नाम क्या है? सूर्यकांत वर्मा मेरा नाम।